नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विनोद। तो दोस्तों, पठान मूवी को लेकर इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता दूं कि पठान मूवी को लेकर लोग पहले तो बायकॉट करने पर उतरे और अब पठान मूवी का वेट कर रहे हैं कि ये मूवी कब सिनेमा घरों में आती है और कब हम इस मूवी को देखने जाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पठान मूवी का एक ट्रेलर रिलीज हो चुका है, अब एक ट्रेलर और आना बाकी है। हाँ दोस्तों, तो अब एक ट्रेलर और आएगा और उसमें आपको बताया गया है कि जो सलमान खान है वो आपको उस ट्रेलर में दिखने वाले हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, सलमान उस ट्रेलर में नहीं दिखने वाले। तो दोस्तों, अब बात रहती है कि दूसरा ट्रेलर आता कब है। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इस मूवी का पहले वाला ट्रेलर आया है कुछ दिन पहले ही, उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि उस ट्रेलर के आने के बाद शाहरुख को काफी ज्यादा पसंद करने लगे हैं लोग। जो लोग शाहरुख को बायकॉट करना चाहते थे, वही लोग शाहरुख को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान है रात दुबई में बुर्ज खलीफा के पास नजर आए। बुर्ज खलीफा के ऊपर उनका जो ट्रेलर है पठान मूवी का वो चल रहा था और शाहरुख ने खुद वो ट्रेलर देखा और वहां पर उन्होंने डांस भी किया पठान मूवी का, झूमे जो पठान गाने पर है। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो लोग हैं वहां के, जो दुबई के लोग हैं ना, वो शाहरुख को इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि जितना भारत के लोग भी नहीं करते। आप इस वीडियो में देखिए कि जो वहां के लोग हैं वो पोस्टर लिए खड़े हैं और शाहरुख शाहरुख चिल्ला रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वहां के लोग शाहरुख की इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और शाहरुख को जो चाहने वाले हैं वो लोग यही चाहते हैं कि ये फिल्म बायकॉट ना हो और ये फिल्म हिट जाए। तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जो शाहरुख खान की इतने सालों बाद ये फिल्म आ रही है तो ये फिल्म हिट जाए। बाकी अगर आप बायकॉट गैंग से हैं तो हमें माफ करना, क्योंकि हम शाहरुख को बदनाम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बहुत सालों बाद फिल्म आ रही है और जो सीन था उन्होंने वो कट कर दिया जिससे बायकॉट की चर्चाएं शुरू हुई थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार करें या बायकॉट गैंग से, दोनों में से एक कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।